नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। लादेन वांटेड, जिंदा या मुर्दा? आज एक बार फिर यह सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी पर एक तरह से अपनी मुहर लगा दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक आतंक का आका ओसामा बिन लादेन आज भी जिंदा है और यहां 9/11 का इंतकाम पूरा करने के लिए साल 2011 में एबटाबाद के अंदर जो भी ऑपरेशन हुआ था, नेपच्यून अमेरिकी नेवी सील कमांडो की ओर से चलाया गया, ये फेक यानी कि नकली था। दावे के मुताबिक ऑपरेशन में मारा गया शख्स ओसामा बिन लादेन का हमशक्ल था। इस रिपोर्ट को देखिए आप। जिंदा है आतंक का आका ओसामा। ओसामा बिन लादेन offers no resistance. झूठा था 9 साल पहले का ऑपरेशन इंतकाम। ट्रंप का बड़ा खुलासा, जिंदा है ओसामा। तो चलिए अब आपको राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से किए गए इस बड़े दावे पर तफसील से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे साल 2011 में लादेन के खात्मे के जिस ऑपरेशन को ओबामा ने सफल बताया था, उसे ही ट्रंप ने झूठा मतलब नकली कहकर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या जिंदा आतंक का आका ओसामा अब भी है। अब आपको बताते हैं कि इस थ्योरी में ओसामा की मौत को लेकर के किस तरह से सवाल किए जा रहे हैं। आगे आपको बताएंगे इस पूरे थ्योरी को लेकर के, इस सवाल को लेकर के कि आगे और कौन कौन से वो सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। तारीख 2 मई 2011, वक्त रात 12:30, जगह एबटाबाद, पाकिस्तान। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन और आतंक के आका ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। ये सर्वशक्तिमान देश की ओर से उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने वाले अलकायदा प्रमुख ओसामा से 10 साल पहले हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कायराना आतंकी हमले का बदला था। Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. लेकिन एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किए गए एक सनसनीखेज दावे ने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। I almost think the other would have been better, except this way there's a little more proof. And a lot of people disagree with what happened after the fact and the way he was treated so solemnly. I mean, they treated him so solemnly after the fact. Cleanse the body, wash the body. I mean, give me a break.
डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ओसामा बिन लादेन आज भी जिंदा है, क्योंकि 9 साल पहले चलाया गया ऑपरेशन नेपच्यून भी झूठा था। मतलब ओसामा के खात्मे का असल ऑपरेशन जब चलाया ही नहीं गया तो फिर ओसामा के मारे जाने का सवाल ही कहां से उठता है। ओबामा ने शायद सील टीम 6 को मरवा दिया है। CIA के एक व्हिसल ब्लोवर ने बिडेन की संदिग्ध भूमिका और सील टीम की मौत को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये दावा करता है कि इसके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किए गए इस ट्वीट के साथ एक आर्टिकल भी लगा था, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिकी नेवी कमांडो की ओर से चलाई गई रेड में लादेन नहीं बल्कि उसका हमशक्ल मारा गया था। हालांकि ट्रंप ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया था। सवाल है, राष्ट्रपति ट्रंप लादेन की मौत पर सवाल उठाने वाली कॉन्स्पिरेसी थियरी में यकीन करते हैं? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास इस कंस्पिरेसी थ्योरी को आगे बढ़ाने का कोई आधार भी है? I know nothing about QAnon. I just told you. I know very little. You told me, but what you tell me doesn't necessarily make it fact. I hate to say that. I know nothing about it. I do know they are very much against pedophilia. They fight it very hard. He may be right. Why not just say it's crazy and not true? He may be right. I just don't know about QAnon. You do know. I don't know. No, I don't know. Just this week, you retweeted to your 87 million followers a conspiracy theory that Joe Biden orchestrated to have SEAL Team 6, the Navy SEAL Team 6, killed to cover up the fake death of Bin Laden. आप डोनाल्ड ट्रंप जो भी दावा करें वो अपनी जगह है, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने जाने अनजाने बहुत बड़े मुद्दे को कई तरह के सवालों में ला दिया है, जिसका सच हर कोई जानना चाहेगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं स्टोरी को लेकर के ओसामा की मौत को लेकर किस तरीके के सवाल अब किए जाते रहे हैं। दरअसल ओसामा के खात्मे पर सवाल क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल। लादेन को मारने के बाद अब सील कमांडो उसकी लाश को अपने साथ ले गए। अमेरिका का यही कहना है कि लादेन की लाश को इस्लामिक रिवाजों के साथ ही समंदर में दफन कर दिया गया था। सवाल यह भी है कि अमेरिका ने कभी लादेन की मौत से जुड़े सबूत पब्लिक आखिरकार क्यों नहीं किए? लादेन की लाश के फोटोग्राफ्स जारी नहीं किए गए। अमेरिकी अफसरों ने भी अलग अलग बयान क्यों दे दिए? कुछ अफसरों ने कहा है कि लादेन ने सील कमांडो पर गोली चलाई थी, जबकि कुछ ने यह कहा था कि यहां निहत्था था लादेन। सच्चाई क्या है इसकी आज भी कोई नहीं जानता है, ये रहस्य है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने ओसामा को लेकर के जो दावा किया उस तरह की थ्योरी में और कैसे कैसे चौंकाने वाले हैरान करने वाले दावे अब किए जाते हैं। अगर जिंदा है तो कहां है ओसामा? क्या बहामास में छिपा है ओसामा? ओसामा बिन लादेन से जुड़ा ये वो सवाल है जिसका सिरा जुड़ता है अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पूर्व अफसर एडवर्ड स्नोडेन के साथ। रूस में पनाह ले चुके अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर एडवर्ड स्नोडेन का दावा है कि ओसामा बिन लादेन बहामास में रह रहा है। इतना ही नहीं, स्नोडेन तो दावा यहां तक करते हैं कि ओसामा CIA के पेरोल पर है, उसे हर महीने मोटी रकम भी मिलती है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप से पहले ओसामा के जिंदा होने की थ्योरी को स्नोडेन ने ही हवा दी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि स्नोडेन अपने इस दावे को लेकर पुख्ता सबूत होने का दावा भी करते हैं। स्नोडेन के मुताबिक 2013 में लादेन एक विला में अपनी 5 बीवियों और कई बच्चों के साथ रह रहा था। CIA ने ही लादेन को उसकी बीवियों और बच्चों के साथ बहामास की किसी सीक्रेट लोकेशन पर भेज दिया था। बिना दाढ़ी और मिलिट्री जैकेट के लादेन को कोई नहीं पहचान सकता। इन्हीं सब चौंकाने वाले खुलासों को लेकर स्नोडेन जल्द एक किताब के जरिए सबूत पेश करने का दावा भी कर चुके हैं। लेकिन सवाल है कि अगर वाकई अमेरिका का ऑपरेशन नेपच्यून संदेह के घेरे में है तो फिर इसकी क्या वजह हो सकती है? जिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को ट्रंप ने आगे बढ़ाया उसे ही सही माना जाए तो कहा तो ये भी जाता है कि ओसामा CIA के सबसे काबिल एजेंट्स में से एक है।
अगर अमेरिका के सील कमांडो उसे मार गिराती तो दुनिया भर में CIA के ऑपरेटिव्स को क्या मैसेज जाता? ओसामा को मार गिराने से CIA का नेटवर्क कमजोर होता, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर उसकी मौत की झूठी कहानी रची। दुनिया ने मान लिया कि ओसामा मारा जा चुका है और अब उसकी कोई तलाश नहीं कर रहा है। तो अब ओसामा को लेकर के जब आपने तमाम तरह की कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी सुन ली है, तो खुद सुपर पावर अमेरिका अपने इस बड़े ऑपरेशन को लेकर के क्या दावा करता है, पूरी रिपोर्ट देखिए पहले आप। तारीख 2 मई 2011, 2 मई 2011 की तारीख जो दुनिया के लिए ऐतिहासिक बनी। यही वो दिन था जब दुनिया से आतंक का एक अध्याय खत्म हुआ। अमेरिकी नौसेना के सील कमांडो ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मारा था। सिर्फ 9 मिनट के अंदर सील टीम ने लादेन को खोज निकाला और मार गिराया। करीब 40 मिनट के अंदर पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया था। इस मिशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कैसे ओसामा का पता लगाया और पूरे मिशन को कैसे अंजाम दिया गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तक को भनक भी नहीं लगी। ओसामा को भले ही 9 मिनट के अंदर मार गिराया गया, लेकिन उसके ठिकाने के बारे में पता लगाने और उसे मारने का पूरा प्लान तैयार करने में कई साल लगे। साल 2007, CIA के अधिकारियों को ओसामा तक संदेश पहुंचाने वाले एक व्यक्ति के बारे में पता चला। इसके बाद अमेरिकी जासूस उस शख्स का पीछा करते हुए एबटाबाद तक पहुंच गए। ओसामा जिस मकान में रहता था वहां सुरक्षा काफी चाक चौबंद थी। इसी से अंदाजा लगाया गया कि जरूर ओसामा वहां रहता होगा। वहां ओसामा ही रहता है ये पता लगाने के लिए CIA ने डॉक्टर शकील अफरीदी की मदद ली। डॉक्टर शकील अफरीदी ने चुपके से टीकाकरण की मुहिम चलाई और DNA के नमूने इकट्ठा किए। ओसामा जिस परिसर में रहता था वहां भी नर्सों को भेजकर DNA का सैंपल लिया गया, जिससे ये पक्का हो गया कि मकान में रहने वाला इंसान ओसामा ही है। लादेन का ठिकाना पता चलने के बाद उसे मारने के प्लान पर काम शुरू हुआ। एबटाबाद वाले मकान पर रेड मारने के प्लान के लिए एक टीम बनाई गई। साल 2011, अफगानिस्तान से लौटकर आने वाली सील टीम 6 के सदस्यों को ट्रेनिंग के लिए नॉर्थ कैरोलिना पहुंचने को कहा गया। ओसामा के एबटाबाद वाले कंपाउंड जैसा ही एक कंपाउंड अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए बनाया गया। वहां सील कमांडो को पूरी ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा ने ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। और यहाँ अनुक्रम एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे, फौरन आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान। मैं हूँ या घर पर, अब होगी हर खबर आपके हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।